धनबाद जिला बागमारा प्रखंड के अंतर्गत तेलमोचो पंचायत में तेलमोचो उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन की स्थिति काफी जर्जर है और यहां शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण रसना देवी और उसके जैसे सभी महिलाओं को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और अनदेखी के कारण मौजूद है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में थोड़ा दिक्कत है, यहाँ परसों का सुविधा नहीं है, प्लस लेटरिन बाथरूम नहीं है, छत भी जर्जर हो गया, बरसात के दिन में तो पानी टपकता है उसमें, इसीलिए कोई गर्भवती सब जाने नहीं खोजते यहाँ। और यहाँ फिर डॉक्टर का भी उतना सुविधा नहीं है। क्या डॉक्टर साहब नहीं आते हैं? आते हैं लेकिन कभी कभी आते हैं। भवन के छत का प्लास्टर टूट टूट कर गिर रहा है और बरसात में सभी कमरे की छत से पानी टपकता है। यहाँ आने जाने वाले सभी मरीजों, सहिया, एनएम, डॉक्टर, किसी के ऊपर छत टूटकर गिरने का खतरा हो सकता है। घर का भवन का परिस्थिति ठीक नहीं है, कभी कल कुछ भी हो सकता है, इसलिए पेशेंट को हम लोग यहाँ पर डिलीवरी नहीं कराते। कई बार डॉक्टर, प्रभारी, विधायक आए और यह आश्वासन दिया गया कि यहाँ जल्द भवन और शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से विनम्र अपील करती हूं कि आप सिविल सर्जन धनबाद के डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा को संपर्क नंबर 9431-23-82-83 पर कॉल करके दवा बनाएं, ताकि तेलमोचो उप स्वास्थ्य केंद्र में जर्जर भवन बने और शौचालय का निर्माण हो। मैं भारती, तेलमोचो, बागमारा, धनबाद, झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।